कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अमरूद। किसके पेड़ में? दूसरे के पेड़ में से। चलो 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 चुपके से दूसरे के पेड़ में से तोड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं अमरूद। कहाँ पे है तुमको पता है? चुप्पी से भी अबू रुक 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 यहाँ पे अंकल जी काम कर रहे हैं। देखो पहले देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं अंकल जी। और इधर भी सब सब हर जगह तो काम चल रहा है ना। पत्थर ये देखो लगेगा पीछे ये। हाँ उधर भी काम चल रहा है इधर भी काम चल रहा है सब। अरे देखो लगेगी यार। अब्बू हटो आओ आओ चले यही रुको। कोई डार तोड़ दिया यार। नहीं अभी भैया जी इसका भैया जी भाड़ में जाए। नहीं नहीं यार अब्बू नहीं नहीं अब्बू बोल रहे थे ना बड़ी मम्मी से कि नहीं है। चलो बोल रहे थे ना बड़ी मम्मी से नहीं है। चलो क्या करोगे बालू? इधर से चलो इधर सीढ़ी इधर है पता है ना सीढ़ी किधर है? हाँ। किधर है इधर किधर है सीढ़ी? तुम्हारा वाला कमरा कौन सा है? तुम्हारा वाला कमरा कौन सा है दिखाओ। कौन सा है? ये वाला है पहले नहीं अभी अभी नया वाला कौन सा है? नया वाला कौन सा है? तुमको कौन बताया कि ये है नया वाला? कौन बताया? हाँ कौन बताया? हाँ हाँ यही है। हाँ चलो चलो बालू ना खेलो। चलो रंजीत पास फोन करें। बालू चुरा के आ रहे हो? तो क्या ये बीजी बालू है ना? है तो बालू ना। कहाँ ले जा रहे हो चुरा के? इतने में एक क्विंटल जुड़ जाएगा। हाँ चोरी कर दिया है। जा रहे हैं यार यही चोरी किया हम कुछ नहीं किए यही चोरी कर रहा था हम बोले झूठ ना बोले हमको क्या फंसा रहे हो? हम मना कर रहे थे कि बालू का फेंक रहे हो। हम जा रहे हैं यही किया है ना? हाँ यही है। पकड़ो यही चोर है शकल से भी लग रहा है। जाओ तुम बालू चलाओ तुम समझो अपना जाए। हाँ पुलिस बुलाओ जेल भेजो। 112 फोन करो तुम्हारा फोन पे इसको बुलाओ। चोरी की है ना? मतलब कैसे नहीं है बालू चुरा के जा रहा है? दवाई आपको देना पड़ेगा ये बालू चुरा के जा रहा है। बोलो कवा देंगे ना? हाँ चलो चोर ये देखो चोर पकड़ा गया है बालू चुरा के आ रहा था। तलवार को छोड़ दो बंद कर लो बंद कर देना। अभी भी हाथ में है वीडियो बना ली इसके हाथ में बालू है। अब तो सबूत मिल गया चोरी करो बालू दिखाओ बालू दिखाओ जेब में। इसका वीडियो बन गया चोर पकड़ा गया। जा रहे हैं चोर के साथ ना रहेंगे। नाक है ये नाक। ए भैया मम्मी बुला लिया। अब्बू की नाक है मम्मी बुला लिया। नहीं अब्बू अब्बू बुला दोगे? बुला लिया बुलाता हूँ लगाए हैं। नाक है जा रहे हैं चल चल अब्बू। मैं हूँ अभी किचन में और हम क्या कर रहे हैं दिखाते हैं आपको क्या है। आप लोग को तो अभी ऐसे पता नहीं चलेगा बताना ही पड़ेगा। तो ये देखिए ये है डोसा। आज हम डोसा बना रहे थे हमारा पहला डोसा कुछ इस तरीके का बना है और ये
ये आया अब डोसे वाला तावा, अब इस पे बनेगा डोसा। और वो नॉर्मली तावे पे वो जल गया था, तो फिर से अब ट्राई किया जाएगा, फिर से बना वो भी देसी घी में। ये रहा देसी घी, और देखते हैं कैसे बनता है हमारा डोसा। तो बनाते हैं डोसा, और ये रहा डोसे का, डोसे के ऊपर जो डलता है उसका, और ये चटनी है मूंगफली की, और वो है उसके ऊपर का मटेरियल जो भी बोलते हैं उसको। ये तो पनीर नहीं था, तो हम इसे काम चलाएंगे, देखते हैं कैसा बनता है। फर्स्ट टाइम हम लोग डोसा बना रहे हैं, देखते हैं। गाइस पहला वाला भी हमारा फिर से वेस्ट गया, फिर से ट्राई कर रहे हैं, और इस बार थोड़ा सा कम यूज़ किया गया है। और ये बर्बाद, फिर से एक बार बर्बाद होते हुए हमारा डोसा, ये एक डोसा और बर्बाद होते हुए। ऐसे एक बार फिर से हम चेंज कर रहे हैं तावा, वो रहा पुराना वाला, और ये रहा जो ट्राई किया हुआ। और अभी घर में दिखाते हैं आपको, देखा कितना गर्म है। गाइस फाइनली अब हमारा डोसा कुछ अपने लुक में आने लगा है, छोटा है पर ठीक है, और देखते हैं खाने में कैसा आता है। अभी तो फिलहाल ठीक ही लग रहा है। ये पहला डोसा हमारा बन रहा है, पहली बार ट्राई है, इसके बाद और बेस्ट 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 और बेस्ट होता जाएगा। देखते हैं कैसा आया है, पीछे से तो अच्छा ही लग रहा है पर आगे से कुछ जमा है। ये रहा हमारा डोसा। गाइस अंदर बहुत गर्मी है, बनाने देते हैं डोसा, चलते हैं हम आराम करते हैं, बनने के बाद ही खाएंगे आप खाते वक्त। चलो तो गाइस फाइनली हमारा डोसा बन के आ चुका है, और ये कुछ ऐसा बना है, तो देखते हैं खा के कि कैसा है टेस्ट में। बढ़िया यार, बढ़िया है, एक नंबर, पहली बार बना है पर मस्त। पहली बार बना है पर बहुत ही अच्छा बना है, मैंने खाया मज़ा आ गया, हमें लगा नहीं था कितना अच्छा बना होगा। मैंने पूरी थाली चेक कर दी है, तो दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। ये देखिए अभी यहाँ पे और बन के रखे हुए हैं, और यहाँ पे और बनाए जा रहे हैं बाकी सबके लिए। तो मैंने तो खा लिया, बहुत ही मस्त था, तो चलते हैं अब।